अस्सलाम वालेकुम, रेड बॉक्स की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट शाहजोर हैदर और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑक्शन की और बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऑक्शन जो है किस तरह से होते हैं। तो बेसिकली ऑक्शन इन पाकिस्तान जो होते हैं वो होते हैं फोरक्लोज प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर फोरक्लोज प्रॉपर्टी की बात करें तो फोरक्लोज प्रॉपर्टी वो होती है जो बैंक ओन्ड होती है और बैंक उसकी वैल्यू रीगेन करने के लिए उसको ऑक्शन में पुट करता है। जब फोरक्लोज प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई हाउस जो है ऑक्शन पे लगता है और अगर वो नहीं बिकता तो उसको फिर हम लोग REO प्रॉपर्टी के अंदर कहते हैं। REO प्रॉपर्टी सिंपली वो प्रॉपर्टी होती है जो पहले से ऑक्शन के अंदर जा चुकी होती है और वहाँ पे सेल आउट नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ऑक्शन इन पाकिस्तान काम किस तरह करते हैं, किस तरह से ऑक्शन पाकिस्तान में होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। तो बेसिकली ऑक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टी जाती है ज़्यादातर वो प्रॉपर्टी जाती है जो मॉर्गेज मनी जो है उसकी पूरी नहीं हुई होती। अब अगर हम थोड़ा सा मॉर्गेज मनी के ऊपर भी बात कर लें तो मॉर्गेज मनी सिंपल सी बात है वो मनी होती है जो बैंक आपको लेंड करता है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। और अगर आप उस मनी को बहुत सारे टाइम तक जो है रीपे नहीं कर रहे होते बैंक को तो बैंक हैज़ द राइट कि वो आपसे प्रॉपर्टी के सारे जो कागजात है और प्रॉपर्टी की सारी जो ओनरशिप है वो आपसे ले सकता है और एंड देन वो आपकी उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में लेके जा सकता है। सेकेंडली दूसरा वे जिससे हाउसेज जो है वो ऑक्शन के अंदर आते हैं इन पाकिस्तान वो होता है कि जब जो ओनर है वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे पाते। तो जब ओनर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे पाते तो जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं दे हैव द राइट के वो उस अथॉरिटी को उस ओनर से ले लें और उस प्रॉपर्टी को जो है वो टैक्सेस लीन की जो ऑक्शन है उसके अंदर जो है रख सकते हैं जहाँ पे वहाँ पे फर्दर उसकी ऑक्शन हो सकती है और वहाँ पे कोई भी खरीदार उसको खरीद सकता है। अब अगर हम बात करें दो तरह के ऑक्शंस की तो एक ऑक्शन होता है कंफर्मेशन ऑक्शन। कंफर्मेशन ऑक्शन बहुत आसान अल्फाजों में समझा जाए तो यही है कि इसके अंदर ओनर के पास ऑप्शन होता है कि वो डिसाइड कर ले कि उसको विनिंग बिड लेनी है या नहीं लेनी है, उसके पास ये चॉइस होती है। एक होता है एब्सोल्यूट ऑक्शन। एब्सोल्यूट ऑक्शन सिंपली जो कि आप सब जानते ही होंगे एक बहुत ही कॉमन ऑक्शन है जिसके अंदर जो है जो हाईएस्ट बिडर होता है वो प्रॉपर्टी को ले जाता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ऑक्शन किस तरह से होते हैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से उससे काफ़ी मालूम मिली होगी। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा कि ऑक्शन इन पाकिस्तान के या ऑक्शन के ओवरऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है प्रॉपर्टी के टर्म्स में। तो तब तक के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी। मैं हूं शाहजोर हैदर, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।